हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट प्लेटफॉर्म फॉर लर्निंग। दोस्तों स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी टीईटी 2022 के आवेदन के बारे में, उसके विज्ञापन को लेकर, साथ ही एग्जाम डेट के बारे में। इसके अलावा यूपी टीईटी के 300,000 बीएड और यूपी टीईटी प्रमाण पत्रों के बारे में। तो वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि जानकारी आप सभी को ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट चैनल के माध्यम से हमेशा रियल एंड ऑथेंटिक सबसे पहले मिलती रहे। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि सरकार के माध्यम से शिक्षक भर्तियों के विज्ञापन जारी हो या ना हो वो अलग बात है, लेकिन सरकार पैट, सीटेट और यूपीटेट समय समय पर करवाती रहती है। उसी को लेकर एक बार फिर से उत्तर प्रदेश पात्रता शिक्षक पात्रता परीक्षा को लेकर जो तैयारियां वो शुरू कर दी गई हैं। लेकिन यूपी टीईटी 2022 का विज्ञापन कब जारी होगा, आवेदन कब से शुरू होंगे, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी मैं आप सभी को दे दूं। अभी यूपी टीईटी 2022 को लेकर पीएनबी के माध्यम से तैयारियाँ पहले से ही शुरू कर दी गई थी, लेकिन उस पर कहीं ना कहीं थोड़ी सी रुकावट देखने के लिए मिली और वो थी यूपी टीईटी 2021 के मामला, क्योंकि 2021 के मामले को लेकर बीएड और टीईटी करने वाले 300,000 से ज़्यादा छात्रों के प्रमाण पत्रों पर रोक लगा दी गई थी और अभी तक ना तो बीटीसी और ना ही बीएड को प्रमाण पत्र जारी किए हैं, जिसके चलते यूपी टीईटी 2022 के कार्यक्रम में थोड़ी देरी हो रही है। पीएनबी अधिकारियों की माने तो उनका कहना है कि यूपी टीईटी को लेकर अगस्त के लास्ट में यहाँ से एक बैठक देखने के लिए मिलेगी बेसिक शिक्षा विभाग की, और अगर वहाँ पे इस प्रस्ताव को लेकर कहा जाता है कि यूपी टीईटी शुरू कर दिया जाए तो सितंबर महीने के अंदर यूपी टीईटी का नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा, नवंबर में इसकी जो परीक्षा है वो करवा ली जाएगी और दिसंबर तक आप सभी का जो परिणाम है वो यहाँ से घोषित हो जाएगा। बात की जाए 300,000 बीएड और बीटीसी करने वाले अभ्यर्थी, माफ कीजिए 300,000 बीएड और यूपी टीईटी करने वाले अभ्यर्थी जिनके प्रमाण पत्र कब तक जारी होंगे, तो उसके लिए अभी आपको यूपी टीईटी के लेकर जो केस लगा हुआ है उसका निस्तारित होने का इंतजार करना होगा। जब तक ये मामला खत्म नहीं हो जाता तब तक इन छात्रों के प्रमाण पत्रों पर रोक लगी रहेगी, लेकिन 2022 का जो यूपी टीईटी आएगा उसके लिए अगस्त के लास्ट में बेसिक शिक्षा विभाग की एक बैठक होने वाली है। अगर उसमें पीएनपी को दिशा निर्देश मिल जाते हैं कि यूपी टीईटी करा लिया जाए तो आप सभी के लिए यूपी टीईटी 2022 का विज्ञापन एक बार फिर से जारी होगा। सितंबर में आवेदन के साथ आप सभी की जो परीक्षा है वो नवंबर में करवाई जाएगी और दिसंबर तक परिणाम घोषित हो जाएगा, अगर सब कुछ ठीक रहता है तो। अब तक की जो अपडेट है वो आप सभी के सामने यही है, बाकी ऑथेंटिक जानकारी जो भी निकलेगी आपको समय समय पर इस चैनल के माध्यम से दे दी जाएगी। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही।